अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अरहम आजाद, मैं हूँ अरहम आजाद, जो कि मैं आपको पहले बताया था कि तेमरापुर टोला गांव में मदनी मस्जिद में जो आज नमाज जुमे की अदा की जाएगी। तो माशाल्लाह आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है और ये आज जुमे का पहला दिन है जो ये हमारा मदनी मस्जिद है। तो खुशी की तो बात है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने सराहा भी है। वालेकुम, तो आप देख सकते हैं कि आज जुमे की नमाज है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं एंट्रेंस का, जो खाना पीना वगैरह वगैरह ये सारी चीजें वो है जो जिस्म के लिए गजा फराहम करती है। रूह की गजा क्या है? रूह की गजा इबादत है, बंदगी है, तस्बीह है, तिलावत है, ये रूह की गजा है। यही वजह है कि हदीस के अंदर फरमाया गया कि रूहे जमीन पर अल्लाह के यहाँ अगर कोई फुकाए अर्ज सबसे ज्यादा मुकद्दस और बाबरकत है तो वो मस्जिद का हिस्सा है। अहब्बुल बिलादी इलल्लाही मसाजिदुहा, एक रिवायत में है कि अहब्बुल अमाकिनी इलल्लाही मसाजिदुहा, कि रूहे जमीन पर सबसे महबूब तरीन हिस्सा जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है रूहे जमीन का वो हिस्सा है जिसको हम मस्जिद से ताबीर करते हैं। वजह क्या है इसके महबूब होने की? इसके महबूब होने की वजह ये है कि इस मस्जिद के अंदर वो आमाल होते हैं जिससे इंसान अपनी रूहानियत के एतबार से तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। ये सारे मदारिक, सारी तरक्की जो इंसान की मौकूफ है, ये इसके रूह के बनने और बिगड़ने पर मौकूफ है। और रूह को गजा की जितनी शक्लें पेश आ सकती हैं वो तमाम शक्लें और सूरतें मस्जिद के माहौल के अंदर पाई जाती हैं। मस्जिद सिर्फ उस हिस्से का नाम नहीं है जहाँ सिर्फ पंज वक्त नमाज पढ़ी जाती हो, नहीं, बल्कि मस्जिद इस्लामी नुक्ते नजर से वो जगह हुआ करती है जिसके ऊपर इस्लामी माशरे का वजूद मौकूफ होता है। एक इस्लामी माशरे का तसव्वुर मस्जिद के बगैर नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफी ज्यादा भीड़ है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जितने भी नौजवान और जितने भी हमारे मुस्लिम भाई या जो भी इसमें अपना बढ़ चढ़ का हिस्सा लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आगे आप सबकी दुआ की दरख्वास्त है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिर से दोबारा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह हम नमाज के बाद भी आपको आपके सामने मुखातिब होंगे। तो जैसे लोग अभी आते जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे ये सिमरापुर टोला गांव में मदनी मस्जिद का आज ओपनिंग हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। तो काफ़ी खुशी का माहौल है और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों जिन लोगों ने इसमें अपना जो सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आगे इंशाल्लाह हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, क्योंकि अभी नमाज का टाइम होने वाला है, फिर हम नमाज के बाद का भी वीडियो इसमें ऐड करके आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि ये छोटा बच्चा भी है जो मस्जिद के लिए आ रहा है। इसी मदनी मस्जिद के मुखातिब हैं तो हम जो हमारे दोस्त चाहने वाले से हम पूछना चाह रहे हैं, तो अगर एक दूसरे लोगों से बात करते हैं देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है,
अस्सलाम वालेकुम जी। अभी ये मदनी मस्जिद में जो नमाज़ हो रही है, कितनी खुशी है आपको? इसीलिए तो आदमी उतना दूर से आ जाया है, इसका ये है तो नमाज़ पढ़ने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। चलिए, अच्छी बात है। और क्या कहना चाहेंगे जो हमारे मुस्लिम भाई, जो हमारे भाई बहन जो देखेंगे हमारी वीडियो को, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मुस्लिम भाइयों से अपील करेंगे कि हर आदमी इस मस्जिद में आए और नमाज़ पढ़े, और पाँचों वक्त इस मस्जिद को नमाज़ पढ़ के आबाद रखा जाए। बेशक। तो आपने सुना हमारे जो भाई हैं मुस्लिम बिरादर हैं, इनका क्या राय है? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं इस मस्जिद के लिए अपना हिस्सेदारी दें। और खाने पीने का जो मदनी मस्जिद की तरफ से इंतज़ाम हुआ है, आप देख सकते हैं कि लोग इसमें हल्का फुल्का खाना खा भी रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप सबके हाँ, बोलिए बोलिए।